लोकसभा चुनाव को लेकर जहां देश भर में चुनाव प्रचार अभियान जोरों पर है, वहीं दूसरी ओर महागठबंधन और एनडीए के नेताओं के द्वारा एक दूसरे पर निशाना साधने के साथ राजनीतिक बयानबाजी भी खूब देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में शनिवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और बीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी शनिवार को भागलपुर पहुंचे, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर सैंडिस कंपाउंड में महागठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा, बांका प्रत्याशी जयप्रकाश यादव, पूर्णिया की राजद प्रत्याशी बीमा भारती, कटिहार से कांग्रेस के प्रत्याशी तारिक अनवर समेत किशनगंज के महागठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। सभा को बिहार के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और बीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने भी संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की नीतियों पर जमकर निशाना साधा। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा समेत बिहार की 5 सीटों पर दूसरे चरण में 26 अप्रैल को होने वाले चुनाव को लेकर महागठबंधन प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने की अपील करते हुए राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को भारी हार का सामना करना पड़ेगा और इसके लिए जनता पूरी तरह से तैयार है। इस दौरान भाजपा, आरएसएस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि उनकी सरकार आने पर किसानों का कर्जा माफ करने के साथ केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना को उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा, जबकि भाजपा और पीएम मोदी द्वारा अब की बार 400 पार पर तंज कसते हुए राहुल गांधी ने कहा कि देश की जनता के मूड को देखते हुए ऐसा लगता है कि भाजपा को 150 सीट पार करने में भी काफी मशक्कत करनी पड़ेगी और एनडीए 180 सीटों के अंदर सिमट कर रह जाएगी। साथ ही अलग अंदाज में राहुल गांधी ने कहा कि उनकी सरकार बनने पर गरीबों के खाते में खटाखट रुपये जाएंगे, जबकि अग्निवीर योजना को लेकर कहा कि देश में दो तरह के शहीद नहीं होने चाहिए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने जो पैसा अमीरों में बांटा है, वही पैसा उनकी सरकार बनने पर गरीबों को दिया जाएगा। इसके अलावा भी राहुल गांधी ने अपने मैनिफेस्टो पर चर्चा करते हुए आम लोगों से इंडी गठबंधन के पक्ष में वोट देकर परिवर्तन करने की बात कही। इधर तेजस्वी यादव ने पहले चरण के चुनाव के बाद भाजपा और मोदी की फिल्म को फ्लॉप होने की बात करते हुए कहा कि वे सभी वादा करके उसे पूरे करने का काम करते हैं, जबकि भाजपा और मोदी सरकार ने जनता को ठगने का काम किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा की 400 पार वाली फिल्म फ्लॉप हो चुकी है और पहले चरण की तरह दूसरे चरण और सातों फेज में होने वाले मतदान में उनकी जीत तय है। साथ ही कहा कि भागलपुर में अजीत शर्मा का सीधा मुकाबला जदयू प्रत्याशी और निवर्तमान सांसद अजय कुमार मंडल से है, जिनकी हार सुनिश्चित है। अंत में अजीत शर्मा ने भी आम सभा को संबोधित करते हुए भागलपुर की जनता से उनके पक्ष में वोट करने की अपील करते हुए जिले में हर क्षेत्र में विकास कार्य को तेज करने की बात कही। वहीं चुनावी जनसभा के दौरान कांग्रेस और इंडी गठबंधन के सभी सहयोगी दलों के नेता और कार्यकर्ताओं के साथ काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। भागलपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए अपराध की बड़ी योजना को नाकाम कर दिया है। भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गौरा बादरपुर के एक बगीचे से छापेमारी कर पुलिस ने अपराध की योजना बना रहे अपराधी को 3 कट्टा, 1 मास्केट, 1 पिस्टल मैगजीन, 84 कारतूस एवं 1 बाइक के साथ गिरफ्तार कर लिया है। इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सिटी SP राज ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के निर्देश अनुसार अवैध हथियार, शराब और मादक पदार्थ की बरामदगी के लिए छापेमारी, वाहन चेकिंग एवं सर्च अभियान चलाया जा रहा है। सिटी SP ने बताया कि इसी क्रम में सूचना मिलने पर पुलिस मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के गौरा बादरपुर गांव स्थित चार दीवारी से घिरे बिलास मंडल के बगीचा में पहुंची, जहां हथियार से लैस 4 से 5 की संख्या में अपराधी लूटपाट की योजना बना रहे थे। वहीं पुलिस को देखते ही अंधेरे का फायदा उठाकर कई व्यक्ति मौके से फरार हो गया, जबकि एक अपराधी गनोरा बादरपुर निवासी बिलास मंडल के पुत्र मिथिलेश को पुलिस ने हथियार, कारतूस और बाइक के साथ दबोच लिया। सिटी SP राज ने बताया कि इससे पूर्व सूचना का सत्यापन करने के बाद वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा
टीम गठित की गई जिसकी निगरानी खुद सिटी एसपी ने की, जबकि छापेमारी अभियान का नेतृत्व सिटी डीएसपी 2 राकेश कुमार के द्वारा किया गया। नगर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अन्य फरार व्यक्तियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए भागलपुर पुलिस के द्वारा लगातार हथियार मादक पदार्थ के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। अभी 3 दिन पहले ही हम लोगों ने तकरीबन 5 हथियार पकड़े थे, बड़े हथियार पकड़े थे। इसी कार्रवाई में कल रात्रि को पुलिस को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुआ कि मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गनौरा बादरपुर में कुछ अपराधीगण 5-6 की संख्या में एकत्रित हैं और हथियार से लैस हैं और एक बड़ी अपराध की योजना बना रहे हैं। और इस सूचना प्राप्त होते ही इसमें SSP सर के द्वारा एक निर्देशन में एक टीम बनाया गया। टीम में SDPO सिटी 2, थानाध्यक्ष मधुसूदनपुर थानाध्यक्ष सफदर अली, भृगुनंद यादव कुअनी मधुसूदनपुर थाना कुअनी गोपाल पासवान और PSI पूजा कुमारी, इस पूरे टीम ने इस सूचना का सत्यापन किया और सत्यापन उपरांत सभी सावधानियां बरतते हुए इलाके की घेराबंदी की गई और इस पर छापेमारी की गई। छापेमारी के क्रम में मौके पर से एक अपराधी जिसका नाम मिथिलेश कुमार पिता विलास मंडल साकिन गनौरा बादरपुर जो कि मधुसूदनपुर थाना का रहने वाला है, इसको मौके पर से गिरफ्तार किया गया। और जो मौके है वहाँ से तकरीबन हम लोगों ने 3 कट्टा, 1 मस्केट, 84 कारतूस है, 1 पिस्टल मैगजीन, 1 बाइक बरामद किया गया है। कुछ खोखा भी है। इस पूरे में टोटल कुल 84 कारतूस बरामद किए गए हैं। इसमें मौके पर से कुछ अन्य जो अपराधीगण जो भागने में सफल हो गए, चूँकि रात्रि का समय था तो उनमें से लगभग 3 की पहचान कर ली गई है और उनका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है, तो हम लोग की टीम अग्रतर कार्रवाई कर रही है, उनके विरुद्ध भी जो है उसको भी जल्दी जल्दी गिरफ्तार कर लिया। भागलपुर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 26 अप्रैल को होने वाले मतदान को लेकर काफ़ी एक्टिव नजर आ रहे हैं। इसको लेकर चुनाव आयोग के निर्देश पर जहां जिले में अलग अलग माध्यम से मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर पहले चरण में हुए मतदान के बाद वोटिंग की कम प्रतिशत को देखते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने SSP समेत पूरी टीम के साथ एक ऐसा अभियान चलाया जिसकी हर ओर सराहना की जा रही है। दरअसल जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, SSP आनंद कुमार, कई पदाधिकारियों के साथ मतदाताओं को जागरूक करने के लिए शनिवार की शाम डोर टू डोर पहुंचे और लोगों को 26 अप्रैल को मतदान केंद्र पहुंचकर वोट करने के लिए निमंत्रण पत्र दिया। साथ ही DM और SSP समेत महिला पदाधिकारी ने भी घर घर जाकर शहरवासियों को वोट का निमंत्रण पत्र सौंपते हुए लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होकर अपने अधिकार और कर्तव्य का निर्वहन करते हुए मतदान करने की अपील की। इसके अलावा जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने आम लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में भागलपुर के लोगों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और अपने मताधिकार का उपयोग करते हुए लोकतंत्र को मजबूत करने के साथ अपने विवेक से सही प्रत्याशी का चयन करना अनिवार्य है। डोर टू डोर कैंपेन के दौरान पदाधिकारियों ने जहां मतदाताओं को वोट निमंत्रण पत्र सौंपा, वहीं आदमपुर स्थित शहीद चंद्रशेखर आजाद चौक के समक्ष वहां मौजूद सभी लोगों को मतदान करने के लिए शपथ भी दिलाया। बता दें कि भागलपुर के अब तक के इतिहास में कभी भी वोटिंग के लिए जागरूक करने को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डोर टू डोर नहीं पहुंचे थे, लेकिन वर्तमान जिलाधिकारी की पहल पर उनकी टीम ने यह नई शुरुआत करते हुए न सिर्फ भागलपुर और बिहार बल्कि देश भर के नागरिकों को लोकतंत्र के महापर्व में वोट के महत्व और अनिवार्यता को दर्शाया है जिसकी हर ओर चर्चा हो रही है। बिल्कुल, आप सभी जान रहे हैं कि 26 अप्रैल को भागलपुर में सुबह शाम 7 बजे से शाम के 6 बजे तक अब मतदान है और हमारी पूरी टीम, मैं, SSP साहब, हमारे म्यूनिसिपल कमिश्नर एवं समस्त अधिकारी जन और हमारे समस्त सफाई कर्मी जन, समस्त सेविका जीवियाँ और पूरी टीम लगी हुई है कि लोगों को हम जागरूक करें, उनके मताधिकार के बारे में उन्हें बताएं और उनसे आग्रह करें कि हम लोग वोट करें, सभी लोग मिलकर के वोट करें। और मैं उनसे पुनः आग्रह करता हूँ कि इस महान भारत देश के निर्माण में अपना वो एक एक वोट दे करके इसे सफल बनाएं। आप देख रहे होंगे एक निमंत्रण कार्ड भी हम लोगों ने रखा है जो विभिन्न परिवारों को हम लोग दे रहे हैं और इस निमंत्रण कार्ड के माध्यम से हम लोग उन्हें निमंत्रण दे रहे हैं
कि 26 अप्रैल को अपने बूथ पर जाकर के अपना मतदान प्रथम चरण का मतदान। भागलपुर के डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर चंद्रभूषण ने कंबाइंड बिल्डिंग स्थित कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बात थाना क्षेत्र अंतर्गत हुए हत्याकांड का खुलासा करते हुए दो अभियुक्त के गिरफ्तार किए जाने की जानकारी दी। डीएसपी विधि व्यवस्था ने बताया कि 16 अप्रैल को बात थाना क्षेत्र अंतर्गत दौलतपुर बिहार में भूसा चोरी के विवाद में दो व्यक्तियों को गोली मार दी गई थी, जिसमें से दौलतपुर निवासी मुकेश कुमार सिंह की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे घायल व्यक्ति का इलाज अस्पताल में अब जारी है और फिलहाल वो खतरे से बाहर बताया जा रहा है। डीएसपी विधि व्यवस्था चंद्रभूषण ने बताया कि अपराधी के खिलाफ बात थाना में सुसंगत धाराओं के तहत कांड दर्ज किया गया है। वहीं त्वरित कार्रवाई करते हुए भागलपुर पुलिस ने अभियुक्त रब्बू यादव को इंग्लिश गांव और पवन यादव को फुल्ली डूमर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान मिरट्टी निवासी अशोक यादव के पुत्र रब्बू यादव और सुल्तानगंज नपटोलिया निवासी अशोक यादव के पुत्र पवन यादव के रूप में हुई है। डीएसपी ने बताया कि पवन का आपराधिक इतिहास है और उसके खिलाफ हत्या और आर्म्स एक्ट समेत कई मामला दर्ज है। जैसा कि आपको पता है 16/4/2024 को जो है बाग थाना अंतर्गत दौलतपुर बहियार गांव है, वहां पे भूसा चोरी के संबंध में विवाद हुआ था और इसमें दो लोगों पे गोली चली थी, उसमें से एक व्यक्ति की जो है मृत्यु हो गई थी, उसका नाम मुकेश कुमार सिंह है और एक जो है इलाजरत है और खतरे से बाहर भी है और इस संबंध में जो है एक FIR लॉन्च किया गया था 57/24 और इसमें तुरंत कार्रवाई करते हुए हम लोग जो है इसमें जो नेम्ड एक्यूज है रघु यादव को जो है हम लोग कल ही गिरफ्तार कर चुके थे, जिसके बारे में सूचना नगर पुलिस अधीक्षक के द्वारा दी गई थी और फिलहाल जो है हम लोग जो इसका मेन एक्यूज पवन यादव को जो है फुल्ली डूमर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है और शेष अभियुक्त जो बाकी बचे हुए हैं उनके खिलाफ भी लगातार छापेमारी चल रही है। पूरी उम्मीद है कि इसके बचे हुए जो भी अभियुक्त हैं उनको भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।